पाकिस्तान, जी हाँ हैप्पी हैप्पी सनडे एंड ऑफ कोर्स हम आ गए हैं। मेरा नाम है मतीरा और हमारे साथ प्यार प्यार मेहमान हमेशा होते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, बहुत ही प्यारे भी है, बहुत ही खास भी है। खास इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री उनके सामने बड़ी ही है एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द इंडस्ट्री। जितनी भी फिल्म्स हैं, अगर एक कोरियोग्राफर नहीं होता तो वो फिल्म कहीं की नहीं होती, क्योंकि जो भी बंदा करना चाहे, मतलब एक्टिंग भी आप सही कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर वो रोमांचिक वाली अंदाज और एक एक चीज़ ना हो ना, तो फिर आपकी फिल्म ज़ीरो होती है। वेल राइट नाउ वी हैव हमारे इंडस्ट्री का गुरु जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। वी हैव द वन एंड ओनली निगा जी, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, आई लव यू एनर्जी, बिल्कुल जोर का झटके वाली एनर्जी आई। यस, कैसा लग रहा है मेरे शो में आकर? गुस्सा बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप खुद एक बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं और स्टार हैं। हमने बोला आई वुड से चंद लोग के लिए वो बातें कम होती है, क्योंकि चंद लोगों के सामने ये इंडस्ट्री बनी है। एंड आपने बहुत सारी हीरोइंस देखी होंगी, उनका उतार चढ़ाव सब देखा होगा। बिल्कुल मतलब एक होता है ना सनराइज सनसेट भी देखा है। बिल्कुल। क्या कौन सी एक ऐसी हीरोइन है जहां आपने बोला यार ये हीरोइन थी, हीरोइन है, हीरोइन रहेगी? बहुत ही डॉजी डायलॉग मैंने दे दिया, बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया। रीमा यार, रीमा जी टू बी ऑनेस्ट शी इज सो हरसेल्फ। मुझे पता क्या लगता है, उनको हीरोइन बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि शी वो है ऐसी, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बनाया ही हीरोइन है। यस एंड शी इज माशाल्लाह, पुरानी फिल्में भी आप देख लो तो वो इतनी ही माशाल्लाह प्यारी है, अभी भी माशाल्लाह उतनी ही प्यारी है। अभी भी देखो शी इज स्टिल द सेम, वही एनर्जी, वही खूबसूरती है, वही पर्सोना है, वही पोलाइटनेस, वही 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 बिल्कुल गुरूर नहीं है। और जब हम बात करते हैं गुरूर की, तो एक ऐसा सोना मुंडा है जो काम करता है बड़ा बड़ा, मतलब बड़े बड़े, लेकिन वो पाकिस्तान में व्हाट यू कॉल इतना ज़्यादा काम नहीं करता, वो ज़्यादातर बाहर काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग द मॉर्निंग शोज़, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। एंड पाकिस्तान में ठीक है वो नज़र आते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लड़कियाँ तो इनके पीछे मरती हैं, इनकी स्नैपचैट तो माशाल्लाह भरी हुई होती हैं, इंस्टाग्राम भी अगर आप देख लो तो आपको रियलाइज होगा कि कितने लोग इनके पीछे हैं। सो यस वी हैव द वन एंड ओनली उज़ैर हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लाइक टिकते क्यों नहीं हो? टिकना है एंड किसके साथ टिकना है? नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में टिकना है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन कोई तो मतलब एक होता है ना, टिकाने वाली भी होती है, तभी बंदा टिकता है। एक पॉइंट होता है ना इंसान। हाँ, तुम्हारे कोई टिकाने वाली मिली? बिल्कुल मिल गई है टिकाने वाली। ओहो मिल गई, मिल गई। मतलब जितने भी दिल खुदा हुए वो बस हो गए? जी वैसा ही है। माशाल्लाह। Why aren't you coming in Pakistani hosting? निदा को tough time दो ना। मदीना first of all उनकी सुबह अच्छी बना रहे हो, हमें सुबह सुबह उठकर निदा को देखना पड़ता है, ये क्या बात है? मदीना first of all निदा is doing an amazing work, जैसे आपने mention किया कि morning shows की जो है वो already queen है। तुम मुझे ये बताओ निगा जी, hero वाला face है ना? बिल्कुल है। तो क्यों नहीं हीरो क्यों नहीं बने? यहाँ तो जिनका फेस भी नहीं होता वो भी हीरो बन रहे होते हैं, बल्कि हाइट बॉडी सब कुछ। हाँ, है सब कुछ है यार, मतलब देखो तो सही, मैंने तो हाइट कंप्लीट पैकेज है। ठीक है मतलब बस आपसे मैं ये डन हो गया शो के बाद, बस फिर बैठ के फाइनल में आपसे टिप्स ले लेता हूँ। निकलेगा और बोलेगा मैं हूँ हीरो। तो इसको डन कर देते हैं आज बस। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, एक्टिंग का क्यों नहीं सोचा? मतलब अभी तक जो मैंने जो एक्टिंग की है वो टीवी कमर्शियल्स में की है, एंड कुछ जो कमर्शियल्स होते हैं जो कि जिसमें स्टोरी बोर्ड्स होते हैं तो उसमें ट्राई किया है, लेकिन कभी कभार ड्रामे का एक दो दफा ऑफर्स भी हुई हैं, लेकिन उनके जो टाइमिंग्स थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा मांग रहे थे। लाइक यार ये बड़ा होता है ड्रामों में, हां कमर्शियल्स में एक्टिंग का मार्जिन कम होता है क्योंकि ड्यूरेशन कम होती है, ड्यूरेशन नहीं होती ड्रामा में, फिल्म में ड्यूरेशन बहुत। कमर्शियल्स तो टू बी ऑनेस्ट डेफिनेटली अ गो गो फॉर मी एंड प्लस पॉइंट फॉर श्योर, इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट उससे डेफिनेटली किया जाए, लेकिन ड्रामा भी वंस आई एम ओवर हियर कम्प्लीटली तो ड्रामे को भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं तो यहाँ पे देख के हैरान हुआ हूँ कि आर्टिस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट 8 to 12 आवर्स पर डे शिफ्ट एंड यू नो एक ड्रामे को प्रोड्यूस। लेकिन अगर हम ये देखते हैं हमारे आर्टिस्ट इतना मेहनत दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी रंग लाती है, कोई एक ड्रामा होता है जो आपको नाइजीरिया तक फेमस कर देता है। ऑनेस्टली आप दुनिया में मशहूर हो जाते हैं और आपके नाम के साथ आपका मुल्क भी जुड़ जाता है।
एंड फिर बाद में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक ड्रामा हिट किया है और बाकी तो सालों साल कैश कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज भी है कि जब किसी का एक ड्रामा हिट होता है तो ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो यू कैन नॉट गिव अ लेसर परफॉर्मेंस अपनी पिछली परफॉर्मेंस के बाद। अब अगर मेरे पास तो फॉर एग्जांपल हिट हुआ है सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग उसी लेवल की परफॉर्मेंस फ्रॉम द ग्रेट हुमायूं सईद अंदाज़ से देखी। आई थिंक निगा जी मुझे जितना मैंने जिंदगी में देखा है एक आर्टिस्ट हमेशा अपनी एक आर्टिस्ट एक घरे वाली परफॉर्मेंस लाइक हमेशा 110% देता है। वो वक्त वक्त की बात होती है। कभी आपका वक्त होता है तो आप पत्थर भी फेंकते हो, लोग बोलते हैं वाह 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 क्या पत्थर फेंका है, और कभी वक्त बुरा होता है तो आप किसी को फूल भी दे वो काटे ही नहींगा। बिल्कुल। सो द टाइम काउंट्स। निगा जी जब टाइम की हम बात कर रहे हैं कितना टाइम हुआ इस इंडस्ट्री में? मुझे सच्ची बात है कि मुझे काम करते हुए एज ए कोरियोग्राफर काम करते हुए मुझे 26 से 27 साल हो गए। ठीक है। Wow, that's like a lot. जी, माशाल्लाह। मेरी एक से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है इस काम में। But you know, जिस तरह I've heard that आपने बड़ी एक यंग एज में काम करना शुरू किया था। मैं 13 years का था जब मैंने पहला गाना कोरियोग्राफ। तो जिम्मेदारियाँ भी इसी एज में आपने उठाई होगी। मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ कि जिसने बचपन में अपने आप को जवान बना लिया और जवानी में खुद को मैच्योर कर लिया। तुमने कब शुरू करी जिम्मेदारी लेना या अभी भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी को और लेना? क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन के अलावा भी पेरेंट्स जब आपके साथ हो रहे होते हैं या होते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को लाइक यू लूजिंग योरसेल्फ के हैं घर में कुछ भी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लेकिन जब आप देखते हैं कहीं आप ट्रैवल कर रहे होते हैं आप अकेले होते हैं सो यू नो कि यू आर ऑन योर सेल्फ, तो आपने खाने का भी खुद देखना है, आपने बाकी चीज़ों का भी खुद ही देखना होता है। तो ये एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। निगा जी जिम्मेदारी चेक करो रात में मैं क्या काम करूं। बहुत खास जिम्मेदारी है ये वाली। सुबह मुझे शर्ट उस तरीके से पहनना है। फिर तो वो बात होगी नहीं खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा। बड़ा कैसे होगे। कौन सी हीरोइन जिसने आपने बोला दैट एक होता है कि किसी हीरोइन को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आप बोलते यार अगर इसको ज्यादा व्हाट यू कॉल स्पॉटलाइट मिलती तो ये ज्यादातर आगे होती, कोई एक ऐसी हीरोइन जहाँ बोलते आई थिंक शी शुड टेक। मेरे ख्याल में कोई ऐसी नहीं है क्योंकि जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनके साथ काम कर रहा हूँ मुझे जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत ही डिजर्विंग और वो वहाँ पहुँचे भी हैं। जहाँ पे उनको होना चाहिए जिस मकाम पे वो वहाँ पहुँचे। एक चीज ये होती है ना हम किसी की सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं और वो हम उस बेचारी का या बेचारे का मुस्कुराता हुआ मुंह देख लेते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो शुरू कहाँ से किया, कितने साल उसने दिया। अब सारे लोग हुमायूं को देखते हैं, काफी लोग बोले हुमायूं को तो हमने काफी टाइम से देखा है लेकिन कोई ये भी नहीं देख रहा अगर आप हुमायूं के पुराने ड्रामे ले जाओ हुमायूं सईद हो गए या फाज मुस्तफा हो गए। पीपल डू नॉट रियलाइज के उनके पीछे हार्डवर्क कितना है या उनके पीछे जो काम है उनकी क्वांटिटी कितनी है, स्ट्रगल कितनी है किसी की। एक कंट्रोवर्सी काफी चल रही है रेशम जी के बारे में जी। उनको व्हाट यू कॉल अवार्ड मिला, सकीना समो जी ने बोला दैट डिजर्विंग लोगों को अवार्ड नहीं मिला, अली जफर और रेशम जी, आपको क्या लगता है इस बात पर? देखिए जी मैं अगर मेरी मुझसे पूछेंगी तो मैं तो कहूंगा कि रेशम को बिल्कुल सही मिला ये अवार्ड बिकॉज रेशम ने जितनी मेहनत की है उसने बहुत छोटी एज से टेलीविजन से अपने करियर का स्टार्ट किया, पीटीवी से अपने करियर का स्टार्ट किया, टीवी प्लेस किए, बहुत मेहनत की उस लड़की ने, डांस सीखा फिल्म में आने के लिए, फिर फिल्मों में बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया। रेशम ने इतनी तिच्छी फिल्में की, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स किए। आप देखा जाए तो हमारी पुरानी हीरोइंस में ले तो वो एक वो भी जैसे मैंने इनके लिए कहा कि मुकम्मल पैकेज थी हीरोइन का, मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस, उनकी अदा, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी वार्डरोब, उसको पहनावे का बहुत शुरू से पता है उस लड़की को, तो रेशम को बिल्कुल सही मिला है अवार्ड, वो डिजर्व करती थी। व्हाट अबाउट यू? आई गेस दोनों डिजर्विंग थे, खासतौर से अली जफर न्यू एज सिंगर है एंड म्यूजिशियन है एंड अब जो अगर उनके PSL की परफॉर्मेंस देखा जाए तो आई गेस ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं जैसे इस दफा आबदा परवीन साहिबा को भी मिला है, इनके नाम पे बाकायदा अवार्ड दिए जाने चाहिए, मतलब इनके नाम से अवार्ड्स एसोसिएट होने चाहिए। सही। एंड इनको इतने लेट मिले इस दफा की मैं पूरी जो लिस्ट थी, इनफैक्ट अगर हम इन दो के अलावा भी देखें तो फैसल ईदी साहब हो गए, ज़ेबा शहनाज साहिबा हो गए, इन सबको इस दफा प्राइड तमगा इम्तियाज या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नॉट मिस्टेकन इन सबको मिले हैं। सो मेरे हिसाब से तो बहुत लेट मिले हैं। किसी कोरियोग्राफर को नहीं मिला ये अवार्ड? व्हाई? जी ये बहुत बड़ा गिला है मुझे अपने जो जितने भी अवार्ड्स होते हैं। हम पता नहीं हम इंडस्ट्री में डांस करते हैं, मेहंदियों में भी डांस होता है,
पार्टियों में तो हम नाच रहे होते हैं, अगर नहीं नाच रहे होते तो लोगों को उंगलियों पर नचा रहे होते हैं, बिल्कुल ये चीजें तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है डांस पर हमारी इंडस्ट्री हिपोक्रेट हो जाती है। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ, अवार्ड शोज में डांस कोरियोग्राफ तो करवा लेते हैं जी जी, लेकिन डांस का अवार्ड नहीं होता, गाने को अवार्ड मिलता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, डांस की बात में कैटेगरी है ही नहीं पाकिस्तान में। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे हर छोटे से बड़ा अवार्ड कोरियोग्राफर का होता है, यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर को अवार्ड मिलता है जो गाना बना देता है, सिंगर को अवार्ड मिलता है जो गाता है गाना, यार जो उस गाने को सजा के स्क्रीन पे लाता है उसका अवार्ड क्यों नहीं है? मुझे तो बहुत गिला है, शिकवा है अपने अवार्ड जितने भी अवार्ड हैं उनसे, सबसे शिकवा है कि अवार्ड नहीं है। और एक मैंने ये भी देखा है, आपने बहुत सारे मतलब जितने भी टॉप अवार्ड्स हैं इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, जितनी भी यू नो अच्छी फिल्में, कभी भी वो एक आप लोग को एक स्पेशल हाईलाइट नहीं देते, व्हाई इज दैट? वो ऐसे दिखाते हैं जैसे व्हाट यू कॉल मतलब फैशन डिजाइनर को हाईलाइट दे देंगे, देखिए ना, और हीरोइन भी वो अपनी हीरोइनिज्म लेकर आती है आप लोग के सर पर, तो हाउ डू यू कोप विद दैट? थोड़ा स्ट्रेस आउट तो होगा, यार इतना कुछ हो रहा है एंड फिर भी ना कोई देख रहा है, क्योंकि आई थिंक ये सारी परफॉर्मेंस में कोरियोग्राफी के लिए भी एक होना चाहिए मस्ट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक कला है और ये कला हर इंसान नहीं कर सकता। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि शादियों में अपनी शादियों में बुलाते हैं, इतना सारा पैसा देते हैं कोरियोग्राफी कराने के लिए, मेहंदियों पे डांस करने के लिए, अवार्ड शोज में कोरियोग्राफी कराते हैं, फिल्मों में करवाते हैं, म्यूजिक वीडियोस में, इवन के कमर्शियल्स में कोरियोग्राफी होती है, बट कोरियोग्राफी का पाकिस्तान में अवार्ड नहीं है, बदकिस्मती से। आई गेस मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद इसके लिए डेफिनेटली कैटेगरी दी जाएगी, क्योंकि इनिशियली हमारे यहाँ आपने देखा है कि कभी भी टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं होता, यूजली जो कुछ आर्टिस्ट हैं उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज हुआ है व्हेन दे आर डेड, व्हेन दे आर नो मोर इन द सोसाइटी। तो इसी तरीके से वी शुड यू नो केटर आर सेलिब्रिटीज या हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो कम्युनिटी है उनको व्हेन दे आर अलाइव एज वेल उनको उस बात का रिगार्ड देना चाहिए। एक चीज ये भी होता है ना, वो बोलते हैं डांसिंग तो हमारा कल्चर नहीं है, वो तो इंडिया का है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? फैशन हमारे कल्चर में है नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो उनका अवार्ड क्यों है फिर? और ये जो डायलॉग जो काफी हीरोइनें और काफी एक्ट्रेसेस करी हैं कि हम तो आइटम नंबर नहीं करेंगे, आइटम नंबर तो होता ही ऐसा औरत को गिराना है ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर नाचना ही है तो घूंघट कैसा, अगर शोबिज़ का हिस्सा बन गए हो तो फिर डांस ये बाउंड्रीज क्यों? तो या तो बंदा फिर शोबिज़ में ना आए, शोबिज़ में आया है तो फिर उसके हिसाब से चले भी तो। जी हाँ, तो हम देखते हैं ये छोटी सी वीडियो के बाद वापस आते हैं। What will you say on this? Because you are the younger generation, आपने martial arts seen, आप हर artist के साथ घूम रहे होते हो, और काफी लोग ये hypocrites वाली बातें करते हैं। अच्छा, वेल मतलब आइटम नंबर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली जैसा मेगा जी ने भी बोला कि आप एक दफ़ा इंडस्ट्री में आ गए तो आपको उसकी तरह अपने आप को यू नो कार्फ करना चाहिए, ढालना पड़ता है, लेकिन इसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ जगहों पे आइटम नंबर्स इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हर फिल्म की नेसेसिटी हो, हो सकता है कुछ फिल्म का कंटेंट इसको सपोर्ट ना करता हो, लेकिन कुछ जगहों पे लगता है कि ये ज़बरदस्ती डाला गया है जिसकी वजह से लोग शायद उनको नहीं उनको लगता है कि ये चीज़ जो है ना हमें समझ में नहीं आ रही है। कभी कभार स्क्रिप्ट मूवी की वीक होती है एंड लोगों को ये लगता है कि आइटम नंबर की वजह से शायद इसकी जो व्यूअरशिप है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाएगी एक परफॉर्मेंस की वजह से, तो हमें इन चीज़ों की भी देखना पड़ेगा कि कुछ जगहों पर हो सकता है आइटम सॉन्ग की रिक्वायरमेंट हो ही नहीं, कि कुछ जगहों पर आप सिर्फ एक नॉर्मल परफॉर्मेंस भी रख सकते हैं। तो व्हाई डजंट द इंडस्ट्री लुक एट इट इन दिस वे? प्लस फिर I don't know, चीजें बदल रही है, अलग अलग माइंडसेट्स आ रहे हैं हमारे एक्चुअली द प्लेस वी आर लिविंग इन इस टाइम पे, तो वो उनको भी जो है ना मेंटली ग्रो होना पड़ेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। हमने देखा है कि लोग यहाँ पे काफ़ी जो है हम सोशल मीडिया पे इनफैक्ट देख रहे होते हैं कि दो मिनट नहीं लगाते हैं किसी को भी जज करने में, तो अगर ये वाली चीज़ इरेडिकेट नहीं होगी सोसाइटी से सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और इसी तरीके से हमें जो हेट्रेड है वो नज़र आएगी लोगों की तरफ से टूवर्ड्स द आर्टिस्ट कम्युनिटी। हाँ, वो काउंसलिंग या ग्रोथ की जरूरत है जिसमें मुझे लगता है कि अभी काफी टाइम है, अभी तो काफी टाइम है, मुझे लग रहा है जितना भी काउंसलिंग आप ग्रोथ के लिए वो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। आर्टिस्ट को परफॉर्म करना है, जितने भी फिल्म वाले लोग हैं मैं लोगों को बोलूंगी आप बनाओ, किसी को पसंद आएगा वो सब छुप कर देखेंगे जरूर लेकिन हाँ, तो हमारा जो मुद्दा होता है कि लोग देख रहे हैं, अब वो छुप कर देख रहे हैं, भरेआम देख रहे हैं, देख तो रहे हैं ना,
खैर आप बताएं जितनी भी एक्ट्रेसेस है who gave you the hardest time? सच बोलना, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना. बिल्कुल सच बोलना. टेंट्रम कौन ज्यादा दिखा रहा है? टेंट्रम एक होता है ना, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं वो नहीं, वो बोलते पता है, ये पता है, ये भी पता है, और आखिर में कुछ नहीं पता. मीरा ओके, क्योंकि उनके साथ बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो सब जानते हैं यार. मतलब देखिए, अब हर आर्टिस्ट हर एक्ट्रेस एक जैसी नहीं हो सकती, और मतलब हर एक को आपने हैंडल कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है. तो मुझे पता है कि उनको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज उनकी लाइफ का, उनकी फिल्मी करियर का जो पहला डांस है वो मैंने करवाया था. okay. तो इसलिए मैं उनको बाकायदगी से अच्छे तरीके से जानता हूँ. सो मुझे उनको हैंडल करना था, बाकी लोगों के लिए वो काफ़ी उनको टफ टाइम देती है. खैर मुझे ये बताओ, दैट जो आपने उनका पहला डांस किया जी, उस वक्त तो अभी मीरा जी एक अलग ही होंगी. वो एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, यू नो, आगे बढ़ने का. अब उनको हो क्या गया है, ये एक सवाल है जो मुझे लगता है. क्या हो गया बेसिकली? नहीं, मुझे ये लगता है ये बड़ा अलार्मिंग है. हम इन चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं, और ये अल्लाह ना करे कुछ डिप्रेशन फेज में जा जाकर कुछ उल्टा कदम ना उठा ले, वो भी बड़ा अलार्मिंग होता है. बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन उसका जवाब ये है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो वो अपने एक जिस जो एरा उन्होंने गुजारा होता है ना, वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकलते. वो समझते हैं कि सारी उम्र वही वक्त उनके साथ चले और चल रहा है, और वही उनको वही प्रोटोकॉल मिले, इनको वही, उनका स्टारडम भी वही है. बट ऐसा कभी भी नहीं होता, वक्त वक्त की बात है. कल वो स्टार्स थी तो आज दूसरे लोग स्टार्स हैं, तो वो आज भी उसी एरा में है. वो समझते हैं कि शायद, लेकिन वक्त वो नहीं है. बट वो परफॉर्मर कैसे ही, वो सब जानते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मर है. लेकिन वो चाहती कि आज भी उनको वही प्रोटोकॉल, वही रेस्पेक्ट, वही हर चीज, वही स्टारडम मिले. बट ऐसा नहीं हो सकता. बट डोंट यू थिंक दैट ये सारे प्रोटोकॉल, जैसे रीमा जी, आई हैव सीन, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब वो आती हैं बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं. मतलब वो एक रिस्पेक्ट होती है, तो ये चीजें अर्न करी जाती है. लाइक उन्होंने कैरी भी अपने आप को वैसी करना होता है जिस तरह की रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से, ये वाली एक चीज भी होती है. तो उन्होंने शुरू से ही अपना जो लाइफस्टाइल रखा था रीमा ने, जो उनका शुरू से लाइफस्टाइल था, वो उसको बरकरार रखते रखते यहाँ तक है. और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो जहाँ आती है वो उसी स्टारडम के साथ, उसी प्रेजेंस के साथ वो आती है, जहाँ भी आती है. आप देखे सना जी ने भी काफी चेंज किया. आई हैव सीन सना एंड आई लव हर, बिकॉज जो इन्होंने चेंज, एक होता है ना वक्त के साथ चली, शी इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट. मैं आपसे अग्री करूंगा, बिल्कुल. आई लव दैट उन्होंने वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो उसके साथ साथ चलती रही. जो बंदा वक्त के साथ चलता है ना, वक्त उसके साथ चलता है. साइमा जी कहाँ गुम है? साइमा जी कर रही, फिल्म कर रही है इस वक्त. मतलब आई लव साइमा जी एंड आई लव हर एक्टिंग. आई हैव ऑलवेज वॉच्ड फॉर द मजाजन में हर एंड शान, वो इन दोनों की जोड़ी. आई थिंक देयर जस्ट यू नो, एक शाहरुख की काजल और शाहरुख वाली जोड़ी, और हमारी ये वाली जोड़ी. हाँ. तो आप बताएं, डोंट यू थिंक साइमन जी को हमारी इंडस्ट्री और टाइम दे और स्क्रिप्ट्स दे? इंडस्ट्री क्या भूल गई है चंद आर्टिस्ट को? आई थिंक कि नहीं भूलना चाहिए उनको, क्योंकि वो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्कोर खेला है फिल्म इंडस्ट्री में. बहुत काम किया, बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं स्क्रीन के ऊपर, और इतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं वो. हाँ. मतलब जितना नेचुरल एक्टिंग वो करती हैं, बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं. और मेरे ख्याल में अभी उनको और अच्छा काम मिलना चाहिए, उनको अच्छे कैरेक्टर्स मिलने चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए अच्छे कैरेक्टर्स में. मुझे लगता है कि ऐसा है, बट लेकिन अभी नहीं हो रहा, क्योंकि वही ना कि अपॉर्चुनिटीज भी कम है आई गेस. हाँ. मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री कंगाल हो चुकी है. और भी हमारी जो इंडस्ट्री का कसूल है ना, वो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, उसको सलाम करते हैं. हाँ, वो एक बंदी छह जगह पर दिखेगी, इतना निचोड़ देंगे. हाँ, 12 कमर्शियल्स बिल्कुल हर ब्रांड का. चढ़ते सूरज की पूजा इस फील्ड में हमारी शुरू से. अभी इस वक्त चढ़ता सूरज कौन है आपके सामने? है सारे सूरज जितने भी हैं इस वक्त. वो तो बहुत सारे सूरज, पूरी एक यूनिवर्स की वो सारे सिस्टम है क्या? हाँ, पूरा सोलर सिस्टम है. सूरज वन, सूरज टू. व्हाट आई थिंक है, हमारे पास जिस तरह मेघा जी ने बोला ये तो है, लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस तरह भी कम है कि हमने देखा कि अगर हम कंपेयर करते हैं ईरानी सिनेमा से या इंडियन सिनेमा से, तो दे आर दीज OTT प्लेटफॉर्म जिसमें उनके जो मेन सेलिब्रिटीज हैं लाइक सुष्मिता सेन एंड ऑल दीज बिग सेलिब्रिटीज हु आर यू नो कमिंग अगेन, कमिंग ऑल ओवर अगेन, एंड चंद्रचूड़ सिंह,
I remember him from the movie Josh. He is doing an acting debut in a series on Hotstar. तो ये भी एक चीज़ है कि वो लोग अपनी एक्टिंग के जरिए वो वापस आ रहे हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए. दे आर नॉट कंसिडरिंग कि मुझे अब फिल्म में ही आना है, या मैं अगर कन्फाइंड हूँ ड्रामास की तरफ तो मैं ड्रामास में रहूँ. दे आर एक्सपीरियंसिंग. और ये जो अब क्वारंटीन में ये जो नई नई सीरीज आ चुकी हैं, तो मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं, किस इनको काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है जब ये सिनेमाज खुल जाएंगे. पीपल आर यूज्ड टू ऑफ वॉचिंग दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर्स. आई नो, एट द सेम टाइम मैं तो नेटफ्लिक्स देख रही होती हूँ, फिर जब जब भी चली जाती हूँ किसी ड्रामे पर, मैं बोलती हूँ यार ला कितनी हल वाली है. मतलब एक चपेट होना ज़रूरी है, मुझे ये बताएं, हीरोइन को चमाट मारना ज़रूरी है ड्रामे को रजिस्टर कराने के लिए, ये क्यों होता है? ये तो राइटर से पूछा जा सकता है कि वो हर ड्रामे में चमार क्यों मरवाते हैं. हाँ, और जब हीरोइन ने चमार मारी थी हीरो को, जब महविश ने मारी थी, वो मैं पंजाब नहीं जाऊँ तो लोगों की पता नहीं इधर चमार लगी थी मर्दों को. चमार कैसे मारी? खैर, कोई एक ऐसी हीरोइन जो अभी इतनी सी हो लेकिन तेवर इसके इतने इतने, कोई एक ऐसा पीस टकरा तो होगा, नाम नहीं बताए, जिस हल्की फुल्की हमें बता दो. हाँ, नीचे से है, मतलब वो क्या कहते ना कि ग्लास में जब पानी ज्यादा भर गया तो बाहर गिरना शुरू हो जाता है. कुछ है इस वक्त ऐसी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका, हाँ हाँ बिल्कुल है, कि जो मतलब बहुत जल्द अपने आप से बाहर हो चुकी हुई है. नाम नहीं लूंगा उसका. ओके, लेकिन आप क्या मतलब किस तरीके से किसी ने आपको तंग किया? नहीं, एक्चुअली मसला सिर्फ ये है कि आजकल का प्रॉब्लम ये है, सोशल मीडिया की वजह से जो फेम मिल गया है आज इस वक्त, मतलब यार आप दूर ना जाएं कि एक ड्रामा करती है, ठीक है, उस वक्त वो प्रोडक्शन से कह रहे होते हैं कि मुझे गाड़ी भिजवा दे, मैंने आना है. तो अगले ड्रामे में वो अपनी फॉर्च्यूनर में भी आ रहे होती हैं और मर्सिडीज में भी आ रहे होती हैं. तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ही थोड़ा सा लाभ मिलता है तो वो फौरी उनके जो दिमाग होते हैं वो सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं. हाँ, लेकिन फिर दिमाग गिरते भी है जितना ऊपर जाते हैं. लेकिन एक बात है, देखिए सवाल सबका आता है, जब फिरौन का आता है तो सबका आ सकता है. रोटी को ठंडा करके खाए तो सुकून से खा जाता है, गर्म गर्म रोटी को मुंह में डाले तो मुंह जल जाता है. तो जैसे ही एकदम कोई ऐसे आता है वो एकदम ऐसे नीचे भी आता है. हाँ, ये भी बात, जो धीरे धीरे ऊपर जाता है वो कायम रहता है स्लोली स्लोली, जिस तरह आतिफ का नया गाना है ना, मैं आपको बताती हूँ, आई वेंट थ्रू अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट. आतिफ का एक गाना है आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ा हिट हो रहा है आजकल, आई गेस 7.5 मिनट का गाना है. नहीं नहीं, 3 मिनट का गाना है, पर सुनो तो सही कितना. मैं ना हेडफोन्स लगाकर स्प्रिंग पर शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे आधे लफ्ज तो पता नहीं है, लेकिन मैं जो उसको कोरस है ना आहिस्ता आहिस्ता बोले जा रही हूँ. अब बराबर वाली बंदी मुझे यूँ देखती है कि क्यों आहिस्ता आहिस्ता बोले जा रही है. मैंने निकाला इसे, फिर आई रियलाइज बंदा कितना क्रीपी हो सकता है जब आपके पास हेडफोन्स हो और किसी को पता ही नहीं हो और बंदा बोले जा रहा आहिस्ता 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 आहिस्ता. कितना क्रीपी. वेल, वी लव यू आतिफ एंड द सॉन्ग इज रियली नाइस. आप बताओ किसके साथ काम करना है? जो भी डिपेंड करता है, जो भी ऑल डिपेंड्स के काम क्या है, क्वालिटी मैटर्स. क्वालिटी मैटर्स ऑफ कोर्स, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. एक्ट्रेस मेरे हिसाब से डेफिनेटली प्रोजेक्ट देखेंगे एंड उसमें आई गेस न्यू कमर हो या ऑलरेडी. एक्ट्रेस कौन है तुम्हारी पर्टिकुलरली? जो ऑल टाइम फेवरेट है, आई लाइक मायरा खान अ लॉट. ओके, मुझे मायरा तो माशाल्लाह सबकी फेवरेट है. मायरा इज लाइक आई थिंक अब वो हमें वो उनको वो एक इस लेवल पर आ गए कि आई बिलीव सब उन्हें पसंद करते हैं, तो उनका नाम हम ऐड ही नहीं करें बिकॉज एवरीवन अपार्ट फ्रॉम मायरा, अपार्ट फ्रॉम मायरा, माया अली इज डूइंग वेरी गुड एंड आई रियली लाइक द वे शी टॉक्स और जिस तरह वो अपनी बात या डायलॉग्स कन्वे कर रही होती हैं, तो मुझे कंपैरेटिवली अच्छी लगती हैं. ओके, महविश ने? महविश इज वेरी गुड इन हर एंड बहुत कर रही हैं, मूवीज बहुत अच्छी कर रही हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, तो हर एक की अपनी चॉइस है. क्या आप बताएं सबा इज टाइंग अ नॉट? सुना तो ये है सबा कमर की शादी होने वाली है. I've seen this on Instagram पर उन्होंने किसी को कमेंट किया था. वो बोल रही है कि रीसेंट स्टेजेस पर है लेकिन ब्रेसेस 7 साल पुराना घुमा हुआ था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो देखें, इस तरह की कभी कभार कैंपेन्स भी होती हैं, जिस तरह पहले आपको याद होगा कि अली अजमत और उमेर जसवाल के बीच में एक इस तरह का सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी ब्रांड के लिए था. वो शादी का थोड़ी बोलेगी, शादी का भी आई कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट के कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आजकल, मतलब कुछ भी क्लाउड के लिए साला कुछ भी करेगा. ओके जी, वो खैर इट्स वेरी गुड अगर हो रही है, सो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू लुक वन ऑफ द प्रीटीस्ट ब्राइड फॉर श्योर. ओह शी इज, शी इज. खैर अभी फिलहाल हम नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.
बातें चल रही हैं एंड बातों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। निगा जी, एक्ट्रेसेस माशाल्लाह, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, मायरा, मैविश, आयशा उमर। आयशा उमर का आपने गाना वो टूटी किया था, टूटी फूटी? नहीं, नो, मैंने बिल्कुल नहीं किया। और महविश का बिल्ली किया था मैंने। यार बिल्ली ने तो एकदम बिल्ली पना कर दिया था। एवरीवन इज बिल्ली। बिल्ली की वजह से फिल्म को जो हाइप मिली है, जो प्रमोशन हुई है, जी, उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक मिनट, अब आपने अपने सवालों को खुद ही जवाब दे दिया। हाँ, गाने जरूरी होते हैं। बिल्कुल हाँ, आप बताएं एक्सपीरियंस कैसा महविश के साथ काम कर। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। 1 to 10 बताएं। महविश के साथ जब बिल्ली आया तो रिहर्सल पे महविश आई तो उसने कहा कि बहुत बड़ी बादब और बड़ी तमीज वाली लड़की। एक सवाल है, जब बिल्ली की बात हो रही है, ये गाना तो मीरा जी कर रही थी। आई थिंक वो बिल्ली नहीं थी इसलिए वो चली गई। तो उनको बिल्ली महविश लगी, सो महविश पे हुआ और बहुत मेहनत की महविश ने। उस गाने की एक बहुत स्पेशलिटी थी और बहुत वो टफ थिंग भी था हमारे लिए बहुत चीज़, क्योंकि एक वो जो सेट लगा हुआ था मौत का कुआं एक सर्कस में होता है, जैसे सर्कस लगती है मैदानों में, झूले लगते हैं, तो एक होता है मौत का कुआं, वो एक पूरा राउंड में बना था और उसके अंदर बाइक चलती है, ठीक है। अब एक छोटा सा गोल उसका सेंटर स्पेस जो थी वो उसके ऊपर पूरा गाना करना था। अब आप देखिए बाकी जगहों पर जब सॉन्ग होते हैं हम लोग कोरियोग्राफ करते हैं तो उसको बहुत वेरिएशन होती है, यहाँ से आर्टिस्ट को बिल्कुल मार्जिन होता है, मार्जिन, बट उस जगह में मार्जिन नहीं था। तो एक ही जगह पे रह के पूरा वो गाना किया और महविश ने बहुत अच्छा किया, उसमें बहुत वेरिएशन थी। She did a good job. Yeah, और उसका रिजल्ट सब देखा। She did a great job that मुल्क से बाहर हमारे पड़ोसी मुल्क में भी अप्रिशिएट किया गया। बिल्कुल। लेकिन मीरा जी ने एक दिन का शूट किया था तो जी, क्या वो हुआ? फिर कट हो गई थी उसके बाद। Why? I think वो controversy का शिकार। मुझे कोई बाजी फिल्म का, बल्कि मुझे लग रहा है आप मुझे प्लॉट सुना रहे हैं, क्योंकि बाजी फिल्म में भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। क्या? जब उसमें सॉन्ग में भी उसमें यही दिखाते हैं कि मीरा जी जो हैं उनको रिप्लेस कर लेती हैं महविश हयात। अभी फिलहाल देखते हैं हमारे सेलिब्रिटी क्या कर रहा है इस वीडियो में, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। सो लेट्स गो एंड सी। वीना इज ऑफ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आपको क्या लगता है वीना शुड बी बैक? वीना बिल्कुल गायब हुई है। She is talented, no doubt. I love her. एक वो एक होता है, she can, उनकी comedy और वो हर चीज। और बहुत उनके अंदर flavor है। मैं इससे कहता हूँ कि वीना के अंदर मैंने काम किया है, एक फिल्म थी मोहब्बत सच्चियाँ। Yes, मोहब्बत सच्चियाँ। फिल्म में पूरी फिल्म के सॉन्ग्स मैंने कोरियोग्राफ किए थे और बहुत एक तवील अरसा हम लोगों ने वक्त साथ गुजारा। शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी। और जहाँ तक सवाल आपने माहिरा जी का किया था, तो माहिरा उनकी तो क्या ही बात है। अभी नूरी का एक्सपीरियंस उनके साथ है, नूरी तो खैर अभी आया, सबसे पहले शक्कर वरना। हाँ, जो मैंने जो वो एक डांस स्टेप था, आपका हर स्टेप का एक सिग्नेचर, वो एक बिल्ली का ये था, यस, शक्करबंदा का ये था। कोई भी वेडिंग जो है अब शक्करबंदा के बगैर आई डोंट थिंक सो कि कंप्लीट होती है। वो उस वक्त एक ट्रेंड बन गया था, हर बंदा कर रहा था। बिल्कुल, कितने साल देखिए, कितने साल वो गाना अब तक भी रिसेंट भी लोग करते रहे हैं। अब जाके शक्कर वरना के बाद मेरा कोई सिग्नेचर सॉन्ग बन गया तो है हाय दिल बेचारा। तो मायरा के साथ हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, शक्कर वरना से लेके अब तक। व्हाट अबाउट वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो जिस तरह एक एक्टर की जबान चुप होती है डायरेक्टर के सामने, जी, लेकिन इतनी बड़ी जबान होती है कोरियोग्राफर के सामने, व्हाई इज दैट? देखिए सबसे पहली बात है कि और क्या ये जो सॉरी ये जो एक्ट्रेसेस हैं, क्या ये भी इतनी बड़ी जबान होल्ड करती हैं? या जैसे मायरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुरु को गुरु ही मानते हैं, जैसे माधुरी जी। जी बिल्कुल, उनका जो गुरु था वो उन्हीं को वही रिस्पेक्ट देते थे जितनी भी बड़ी स्टार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हीरोइन की लंबी जबान वहाँ पे होती है जहाँ पे उसके साथ प्रोड्यूसर की हिमायत हो। ओके, बैकअप, बैकअप उसका बहुत मजबूत हो, वहाँ उसकी जबान लंबी जरूर होती है। बट मेरे सामने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई मुझे लंबी जबान दिखाए तो मुझे जबान काटनी भी आती है। आपके पास है जबान? मैं कोशिश करता हूँ कि जिधर जरूरत हो वहीं इस्तेमाल की जाए। ये बहुत कम इस्तेमाल करें। जी जी, हाँ बिल्कुल नहीं, धीमे मिजाज के अलग भी रहा। नहीं, धीमे मिजाज के नहीं, बिल्कुल। मैं टॉपिक से मैं निगा जी की बात सुन के और मैं काफी जब से स्टंट हूँ, जब से आपने बताया कि हाय दिल बेचारा अभी आपने किया, क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अ वेरी बिग मेन पिलर ऑफ आवर इंडस्ट्री। मैं खुद पर्सनली पूछना चाहूंगा आपसे कि हमने देखा है
जो कोरियोग्राफी है बाकायदा ये टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, पहले जिस तरह वो एक सनी देओल वाला एक स्टेप होता था, तो आपको लगता है कि स्टेप्स भी ग्रूम्ड होते जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे हायदिल बेचारा वाज अ वेरी क्लासी स्टेप, एंड जिस तरह आपने मोहब्बत और सच्चियां भी किया हुआ है, क्या डिफरेंस क्या है उन स्टेप्स में? एक्चुअली मैंने जैसे पहले मदीरा से बात हुई थी, आप भी सुन रहे थे, कि जो बंदा वक्त के साथ साथ चलता है वो कामयाब रहता है। वेरी ट्रू, वक्त उसकी कदर करता है। मेरी कोशिश होती है कि जो वक्त है मैं उसके हिसाब से चलूं, और सबसे पहले मेरी एक जो मेन प्रायोरिटी होती है कि मैं आर्टिस्ट को देख के डांस बनाता हूँ। कि अब मदीरा को अगर मैंने कोरियोग्राफ करना है तो मैं मदीरा के हिसाब से उनको डांस सिखाऊंगा। एक्चुअली शहरयार का जो एक पर्सोना है, जो उसका स्टाइल है, जो उसके लुक्स है, जो प्रेजेंस है, उसके हिसाब से मैंने वो डांस बनाया था। और नूरी में माहिरा को, और जो ना देख लें आप उस्मान खालिद भट्ट को मैंने डांस करवाया। इसी तरह सुपरस्टार का गान था बेकराम, उसमें उसमें जो रोमांटिक डांस बिलाल अशरफ को, बिलाल को शर्टलेस किसने किया? किसका शर्ट बिलाल वो खुद ही उतार लिया उसने? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत उसने। लेकिन शर्टलेस किसने किया? शर्टलेस आई वांट टू नो, ये आईडिया किसका था? वो आईडिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का आईडिया था, और शर्टलेस के लिए उसने बहुत मेहनत की है। हाँ, मैंने स्ट्राइक डाइट जब वो गाना मैंने उसके कोरियोग्राफ किया था कुबरा के साथ, कुबरा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत प्यारी परफॉर्मर, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस कुबरा खान के साथ भी है, माया अली के साथ। वो जो बिलाल का आपने गाना किया, तो उस गाने के लिए हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे, कैन यू बिलीव इट, के गर्मी बाकायदा वाली और धूप में शर्टलेस गाना करना कितना मुश्किल है, आप सोचिए। बिलाल को उनके ट्रेनर साथ आए थे फैसल शफी, उन्होंने उनका पानी तक बंद किया, मतलब 5-6 दिन बिलाल ने पानी भी नहीं पिया था, बहुत मेहनत। और एंड पे जो हाइपर हुआ था वो, ओफ, गर्मी में बिलाल एक शॉट पे आके ऐसा तप गया कि सबको अब्यूज़ कर रहा, भाग रहा है इधर उधर, कह रहा मैं शॉट नहीं हो रहा, ये हालत हो गई थी। अब एक बंदा 5 दिन पानी ना पिए, एक बंदे ने इतनी मेहनत की और अवाम के सामने वो शर्टलेस आया, और अवाम ने अप्रिशिएट करने के बजाय बैकलैश किया। हाउ, मतलब आई एम श्योर एक हम ही अपने आर्टिस्ट को बड़े तोड़ते हैं, लेकिन ये भी होते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं, हीरोइनें गाना कर लेती हैं, बाद में बोलती है वो आइटम नंबर मैंने गलती से कर लिया था, वो मेरी करियर की सबसे बड़ी गलती थी। गलती होती नहीं, गलती की जाती है। तो उनके बारे में लाइक क्या बोलोगे? तो कुछ ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने आपके साथ थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने बैठ कर बोला नहीं वो एक गलती थी। तो Do you think that's good? अपने एक काम को एक गलती बता बना दो, especially जब वो काम गलत नहीं था। गलत है। अगर आप सोचते हो कि आपने गलती की है जी, तो उसको नशर तो मत करो ना यार। ठीक है, अगर गलती कर ली तो आप उसका पछतावा दिल में रखो। हाँ ठीक है, पहली बात है कि वो गलती नहीं होती। ठीक है, इतनी गलती, प्यारी गलती तो सबकी होनी चाहिए। गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए, जो जानबूझ के की जाए वो गलती नहीं होती। तुम्हें इशारे करने आते हैं? समझने की कोशिश कर लेता हूँ इशारे अगर। हाय हाय मेरे नन्ना काका, इधर आओ, खड़े रहो। निगा जी का व्हाट यू कॉल, एक कोई भी नंबर आप चूज करें एंड ये इशारे करेंगे और आपको बताना, ये एक छोटा सा गेम होगा, 3-3 इसी तरह चलेगा। ऑल राइट निगा जी, 6 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, पहले कौन सा आप खुलवाना चाहेंगे? नंबर 5 करीब है। ओके जी, मुझे दिखाओ। आए हाए। आए हाए। आ गया तुमको समझ आ गया। इतना तो बता सकते ना कि ये गाना है, मुहावरा है। हाँ, ये आप बता। ओके गुड, तो पहले बस मुहावरा है ये मैं बता रहा हूँ। 3-4-5 और 6 लफ्ज है इसमें। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अल्लाह, वाह वाह वाह, ये क्या नहीं, ये भी मुहावरा है। मुहावरा 1-2-3-4 है वो, यूं करता रहता है। ये तुम क्या कर रहे हो? इसलिए डब्बे में डाल दो। हाँ, ये कुछ इशारा आई थिंक समझ नहीं आ रहा मुझे। यार मुर्गी की तरह होता है वो। तुम बहुत विले हो
सबको डब्बे में ही डाल रहा है, आधा तीतर आधा बतेर। लेकिन आधा तीतर ऐसे करना था ना, आधा बटेर, वो कुछ ऐसे इशारा बना था। नहीं, मुझे बटेर और तीतर के ये वाले सिग्नल्स नहीं आते। ओके, अब एक और। इतने मुश्किल सवाल मेरे लिए रखे हुए आप। हाँ, सोचे कि कोई गाना। नहीं नहीं, अभी तुम तुम्हारा भी दिमाग चेक करेंगे। अब आप खोलिए नंबर वन। नंबर वन चैंपियन, या अल्लाह इजी हो। अच्छा, ओए होए, आई ये तो गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, हर बंदा गा रहा होता है ये गाना, जवान बुढ़ा। लेकिन इशारा समझना पड़ेगा ना, इशारा क्या है। This is how it goes. Hey. दोबारा? अकेले हैं चले आओ। नहीं। Sorry. अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम। तो ये था अकेले ना जाना। ये वाली चीज हमें छोड़ कर। ये इधर आकर दो दो। अब तीन हो गए ना। तीन हो गए मेरे। अब आपका आपकी बारी। ओके। अब तुम अगर तुमने इन इशारों को देखा नहीं। नहीं नहीं, इशारों में बेस्ट नहीं देखा जी। कौन सा नंबर रह गया? वन हो गया है ना। वन हो गया। सिक्स खोलो, जो है वो नहीं कोई खोल दो। बच्चे कुछ है सबको खोल। कितने वर्ड्स हैं? सबसे पहले तो एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हैं। ओके जी, पहला वर्ड थोड़ा सा उसका मैं। अच्छा अच्छा, नाच ना जान। नहीं नहीं, no. ये नाच कैसे हो गया? यू अगर कोई बंदी कर रही है तो देखें, पुराना भूला हुआ पुरानी मोहब्बत। लड़की ये कब करती है? ये ऐसे कब करती है? शर्मा रही है। हाँ, करीब करीब, जल्दी। शर्मा रही है, शर्म शर्म। अच्छा, ये पहला वर्ड है? शर्म तो नहीं है पहला। दूसरा है। दूसरा वर्ड है शर्म। शर्म छोड़ के, शर्म भूल के, शर्म बेशर्म। नो, चले काउंट बता रहा काउंट। अरे फाइव फोर थ्री टू वन। कोई शर्म होती है? कोई हया, कोई हया होती है। शहबाज शरीफ वाला मैं बहुत क्लियर किया था। कोई शर्म होती है, कोई ये एक मिनट, यू बेशर्म कैसे कोई हो जाता है बताओ? बेशर्म ऐसे कौन होता है जी? नेक्स्ट फोर रह गया। फोर थ्री भी है, दोनों में से बताइए। फोर खोलने वही है तो वैसे सभी खोलने जी। टेक्निकली जो टेक्निकली जी मुहावरा है, गाना है, गाना गाना है। ओके, कितने वर्ड्स हैं? और बहुत इजी गाना है। हाँ, लेकिन ये गेस करना बहुत मुश्किल होगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं समझा पाऊं। पहला वर्ड चलो। ओके, मैं हम। ओके, मैं तुम्हें एक लफ्ज बता देती हूँ। मुझसे उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। चलें, अभी भी इन्होंने भी एक ही बताया, मैंने भी एक बताया। इन्होंने वो भी नहीं बताया, हमने उनके मुंह में चमक डाला। मैंने भी पहला वर्ड एक नहीं, मुझसे बता दिया मदीरा ने। चल अच्छा जी, अब रह गया नंबर 3। हां, आखिरी। अब तो तुम अपना दिमाग जो दो दो ब्रेन सेल्स हैं उनको भगाओ। चलो, ये मुहावरा है, गाना है ना ये तो यार बड़ा। बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। अच्छा, आपके लिए बहुत इजी आ रहे हैं। स्टार्ट करें। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या बात है, बेहतरीन हो गया। गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। आप तो कमाल हो यार। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, यूएस वाला लौंडा ऐसी ऐसी बातें। यूएस वाला लौंडा भले है तो पाकिस्तानी ना जी। ये सारी मिसालें बड़ों से बचपन से सुनी होंगी। हाँ, ओके जी, सेस हमारी गेम्स तो क्या चलते रहेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो जीरो होने ले हो। मतलब इशारों पर तो ये तुम इसके जीत गया हूँ, राउंड जीत गया हूँ मैं। फिर भी कौन से जीतते हो दो, तुम दो मेरे जो है टीम में। अच्छा, बकायदा लफ्जों के हिंट मिले और मैं जीत गया हूँ। मतलब हमने ना चम्मच मुंह में डाली और बोला बेटा ये है। बकायदा परफॉर्म करके दिखाया था। परफॉर्म भी अच्छा है निगा जी, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा एक एज आसानी हो गई। कोई बात नहीं, सिंस तुम एक होस्ट हो, क्या तुम मेरे लिए ब्रेक ले सकते हो?
मैं कोशिश करूंगा, आप जैसा तो नहीं लेकिन मैं अपने तौर पे कौन से कैमरे पे लूं मैं ब्रेक, ये वाला, ये है आपका कैमरा। ऑलराइट जी, वी आर नाउ मूविंग टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही जबरदस्त होस्ट मथीरा और हमारे बहुत ही जबरदस्त गेस्ट निगा जी मौजूद है। हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस, लेट्स टेक अ ब्रेक। जी हाँ, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये नई चीज है कि व्यू लाइक फॉलोअर्स नहीं है तो वो स्टार नहीं है, और अगर फॉलोअर्स है तो चाहे वो बुखार हो खुआर हो वो तब भी स्टार है। ठीक है, अब मैंने काफी लोग के देखे हैं, इतने मिलियंस यू नो होते हैं, लेकिन पिक्चर्स पर 50,000-30,000, तो वो मिलियन कहाँ जाते हैं? मदीरा, आई गेस एंगेजमेंट का भी होता है कुछ जगहों पे, कि अगर आप कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीआर पैकेजेस पोस्ट कर रहे हैं, तो उससे एंगेजमेंट टूट जाती है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे भी हमने देखा है कि फेक एंगेजमेंट्स भी होती हैं। उनको भी आइडिया हो जाता है कि अगर इतने सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो कम से कम इतनी एंगेजमेंट होनी चाहिए, इतने व्यूज या इतनी कॉमेंट्स या इतनी यू नो लाइक्स वगैरह होने चाहिए, तो ब्रांड्स भी काफी सिक्योर हो गए। खैर, आप मुझे ये बताओ, ये एक सही चीज़ है आर्टिस्ट को? जैसे मैंने देखा है टिकटॉक के लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वहाँ उनके 10 मिलियन 15 मिलियन पता नहीं कौन से कॉकरोचेस वो लाइक करते, मुझे लगता है हर कॉकरोच के नीचे ना एक टिकटॉक का बटन है, वो पैदा होता है, वो एक फॉलोअर बन जाता है टिकटॉक का। और आपका कॉन्टेंट जितना मैंने जो देखा है इंटरटेनिंग और स्लो वॉक्स जितनी मैंने देखी है टिकटॉक, इतने चले हुए लोग है, इतने चले हुए लोग है, चलते ही रहते हर जगह चले हुए। टिकटॉक पे अक्सर देखा गया और बल्कि देखा जा रहा है कि जितने अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियोस होती हैं, जितने अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उनके लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं होते, जितने भांड हैं जो गन करते हैं, जो मतलब एक फजूल घटिया तरीन जिनकी लिपसिंक नहीं हो रही होती, हाँ। गाना कहीं जा रहा है और लिप्स कहीं जा रहे हैं, उनके फॉलोअर्स और लाइक्स है, ये समझ नहीं आई बात। अच्छा, दुनिया भर में टिकटॉक भी जो यूज होता है यूजली प्रमोशंस के लिए या कहीं कोई नई जगह इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लोगों को हो रहा होता है कि ये नया रेस्टोरेंट खुला है या ये नई एक आउटगोइंग की जगह है। हमारे यहाँ जो है ज़्यादा, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की बात करूँगा, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया में भी हो गया, इसमें जो टिकटॉक है वो ज़्यादातर ये स्लो वॉक या कोई गाने के लिए खासतौर से उसके ऊपर यूज होता है। गाने भी ओके होते हैं, करो जितना चलना है, चलो धीरे चलो तेज चलो, तुम्हारे टांगे चलते रहो, बट बात ये होती है दैट वो मुझे ये लग रहा है कि एक बड़ी थिन लाइन आ गई है, और वो लाइन जो एक सोशल मीडिया स्टार्स है वो अब मिक्स हो रहे हैं। क्या ये इंडस्ट्री के लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए बिल्कुल, निगा जी पहले कंप्लीट कर लें, फिर मैं थोड़ा सा डिजिटल के बारे में। हाँ बिल्कुल, आप ज़्यादा बेहतर। सही इसलिए नहीं है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, एक्टिंग सीखी, डांस सीखा, कपड़ों पे काम किया, शीशे के सामने खड़े होकर अखबार पढ़ के एक्सप्रेशन को इम्प्रूव किया, वो उन लोगों में जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो यहाँ पे आए हैं, और आज सिर्फ एक टेलीफोन की हद तक वीडियोस बना के अपने आप को स्टार समझ के अगर वो उनमें हो जाएंगे तो बिल्कुल नाइंसाफी है। आई डोंट थिंक सो। और नखरे डबल ही ट्रिपल, वो खुद को स्टार समझ रहे हैं, एक फोन के स्टार्स हैं वो, और जो बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पे चलते हैं, जो बड़ी सिल्वर स्क्रीन पे आते हैं, उन स्टार्स का मुकाबला कैसे कर सकते हैं यार वो? लेकिन ये इन, अब मैं देख रही हूँ ये मर्ज हो रही है, और मुझे लगता है मर्ज के एक रीजन ये भी देखे आप कि कुछ ऐसी जगह जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज हैं पाकिस्तान के या इंडिया के, जहाँ पे हमारा केबल अभी तक पहुंचा भी नहीं है, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टीवी तक भी नहीं है अभी कुछ जगहों पे, एंड जिसके पास सेलफोन है या जिसके पास टिकटॉक है, एटलीस्ट जो उसका कॉन्टेंट है या जो वो बंदा है वो नजर वो दिखा रहा है अपने आप को और अपना कंटेंट को, इस वजह से उनकी फॉलोइंग भी ज़्यादा हो रही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, और जितना हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं सो सम हाउ हम ये नोटिस करेंगे कि आगे जाके सब कोई फोन्स पे या लैपटॉप्स पे कंप्यूटर्स पे अपने कॉन्टेंट देख रहा होगा। मुझे याद है जब मैं इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो मेरे अखबारों पर हेडलाइंस जब होती थी बड़े खुश होते थे, मैं खुद 20-20 अखबार लेती थी, वो एक टाइम था।
फिर मैगजीन्स का कॉपी वो एक यू नो एक वो होता था जल्दी से जाओ अखबार खोलो और जो बीच का पेज होता उधर सारी गॉसिप्स होती थी तो और अगर आपकी पिक्चर हो तो ओहो हर बंदा आपको कॉल करके बोला मैंने तुम्हारा आर्टिकल देखा सही बिल्कुल तो एक वो टाइम था फिर एक टाइम आया मैगजीन्स बिल्कुल मैगजीन का कवर अब ई मैगजीन्स डिजिटल मैगजीन्स अखबार नहीं अब तो अखबार है ही नहीं अब तो आई बिलीव हर चीज ब्लॉग्स पर चली और कुछ ऐसे मैगजीन्स भी हैं जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पे ही एग्जिस्ट करते हैं यस दे ओनली हां बिल्कुल मतलब आप बोलते हो भाई आप कौन हो लाइक यू एक्चुअली वांट टू से दैट तो वो एक एरर बदलता जा रहा है तो आपको क्या लगता है इस तरह जाते जाते क्या टीवी मर जाएगा टीवी का कंटेंट मेरे हिसाब से तो वो डिजिटल की तरह मूव कर जाएगा क्योंकि डिजिटल में बाउंड्रीज नहीं है या सबसे प्लस पॉइंट ये है डिजिटल में बाउंड्रीज आजादी है भरपूर आजादी है हद से ज्यादा आजादी है इतने आजाद है ममराला की फिल्म बन गए हम आजाद बाकायदा जश्न आजादी है वहां पे बिल्कुल खैर होट किसको पढ़ने आते हैं उज़ैर से पढ़ते हैं वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे ना इसके अंदर थोड़ा 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 अगर तुम सीरियस हो जाओ यू कैन गिव बिलाल अ टफ टाइम राइट चलो बारिश पांच बारिश नहीं नहीं भाई 25 क्यों चला गया बारिश पांच आ रहा है 50 पांच 25 ये बहुत कैलकुलेटेड बंदा है हर जगह नोट 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 बारिश मैथ पसंद था बहुत लगता है कांच कांच कहां से आ गया वो चुप रहा है मुझे अब बारिश अब तुमने सुन लिया चीटिंग की इसने यूं करके चीटिंग तुम डिस्क्वालिफाइड हो गए मुझे सिर्फ पांच सुनाई दे रहा है कुछ यूं इस तरह पांच बारिश ओके थोड़ा बारिश शुक्र अल्लाह नाच के दिखाना पड़ा तुम्हें क्या हम नाच नाच कर बात करें ओके इशारे कर दूसरा दूसरा जिंदगी जिंदगी थैंक यू शुक्र जवानी जवानी अब ये चवन्नी बोल देगा स्लो जवानी तीन वर्ड है ये तो बोलो तीन वर्ड है और जवानी जवानी अब मुझे खुद अजीब लग रहा है बार बार बोल रहे हो निकालो जवानी ओके मैं इज्जत से हार गया हूँ या नहीं हाँ इज्जत से आप हार गए हो इनको दे दे लोड शेडिंग नहीं वेरी क्लोज लोड शेडिंग लोड शेडिंग लोड शेडिंग लोड शेडिंग नहीं होट पढ़ने हाँ नफरत दोबारा नफरत भले वेरी नाइस अब है क्रश रश रश नहीं नहीं क्रश बहुत करीब करीब बहुत करीब हो क्रश एक लफ्ज दो एक क्रश क्रश वाह 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 क्या बात है देखो ये होता है मेरे भी कितने एक हुए दो हुए एक हुआ था आपको बस एक ही हुआ वो भी इशारा किया बारिश का वरना तो रहीमी और खान पहुंच गए थे खैर कोई बात नहीं थैंक यू सो मच And upcoming projects क्या है तुम्हारे? Thank you so much first of all for having me Mathira and इसके साथ साथ कुछ TV commercials already lined up हैं and already एक दो हो चुके हैं United States से भी एक दो करके आए थे तो बस वो on air होने वाले हैं तो पाकिस्तानी लोग वो जो social media वाला काम है can they work with you? Like, yeah, definitely. Can Pakistani artists work with you in the social media growth? फॉर श्योर जो हमें डिजिटल अवेकनिंग मैं इसको एक तरीके से बोलता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ पे हैं सिंस 90s एंड 80s उनको बिल्कुल एक नया ये एक्सपीरियंस लगता है लेकिन यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज सोशल मीडिया दीज डेज तो हम उनको बताते हैं कि उनके बिजनेसेस के लिए या डिफरेंट इवन ब्रांड्स की एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं सोशल मीडिया के ऊपर
इसके ऊपर काम करें, डेफिनेटली पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यू दे कैन यू नो फॉलो मी ऑन। वो एक नारा होता था, जो दिखता है वही बिकता है, रियलिटी में आजकल वही हो रहा है। आप बताएं निका जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका? आजकल माशाल्लाह कौन सी फिल्में पाइपलाइन में निकल रही है? चल रही है कुछ फिल्में तो रिलीज के लिए तैयार बनी, आपको पता है सिनेमाज़ बाद में। कौन सी सबसे प्रॉमिसिंग फिल्म आपको लगती है अभी जो आ रही है मेरी फिल्में? देखिए मेरी बहुत अच्छी फिल्म्स आ रही है, टच बटन आ रही है मेरी फिल्म, और दम मस्तम आ रही है, उसके अलावा कायदे आज़म जिंदाबाद मेरी फिल्म आ रही है। मेरी बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं जो बिल्कुल अभी सबा कमर के साथ मैंने की है, घबराना नहीं वो आ रही है, और निदा यासर की चक्कर आ रही है, बहुत सारी मेरी 5-6 फिल्में रेडी हैं। पाइपलाइन में भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। अभी म्यूजिक वीडियोज़ आजकल अजान फमी के साथ कर रहा हूँ, और अभी नेक्स्ट वीक से नबील कुरैशी की नई फिल्म पे जा रहा हूँ, तो पाइपलाइन में है 3-4 अच्छी। चलो दैट्स ग्रेट। एंड आपने कभी ये नहीं सोचा कोई इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ आप? बहुत दफ़ा सोचा बट इंस्टीट्यूट के लिए टाइम चाहिए जो कि अब नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक शूट्स चल रही होती हैं। बिकॉज मेरे इंस्टीट्यूट में जो आएगा तो वो फिर मेरे लिए आएगा, उससे मेरी जरूरत होगी, वो फिर आपका नाम भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सो ही हैज टू बी वेरी। तो कभी किसी को प्राइवेटली आपने सोचा था इसको ट्रेन करूं? शुरू में किया काफी लोगों को, बहुत लोगों को शुरू में किया। कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो जाकर आपका काम काटने की कोशिश? बिल्कुल है, रिसेंट है मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी। रिसेंट मेरे कुछ लोग मेरे जो मुझे मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे हरकत एक दो जगह की, बट मुझे इस चीज़ से कोई उनसे ना गिला ना शिकवा, क्योंकि रिस्क देना है खुदा की ज़ात, कोई बंदा किसी का कुछ नहीं काट सकता। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सबका। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। डू रिमेंबर कोरोना की थर्ड वेव आई है, प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट सर्फिंग ऑन इट, एंड प्लीज़ वेयर योर मास्क, SOPs फॉलो करें, घर पर रहें एंड मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।